पहुंचे हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। हयाघाट के माननीय विधायक श्री अमरनाथ गामी जी, दरभंगा शहर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, जाले के माननीय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य द्वय श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री अर्जुन सहनी जी, बिहार राज्य योजना परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री संजय झा जी, पूर्व विधायक साहब ऋषि मिश्रा जी, प्रभाकर चौधरी जी, गोपाल ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य द्वय श्री विनोद चौधरी जी, श्री मिश्रीलाल यादव जी, जिला परिषद दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी, जिला परिषद दरभंगा की उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, सचिव द्वय अतीश चंद्रा जी, मनीष वर्मा जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सचिव श्री अरविंद चौधरी जी, ऊर्जा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री जी, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री एचआर श्रीनिवास जी, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुनील कुमार झा जी, उप महानिरीक्षक विनोद कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, दरभंगा के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, दरभंगा के पुलिस अधीक्षक श्री सत्यवीर सिंह जी, यहां उपस्थित अन्य अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित जीविका की दीदियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के सिलसिले में आज मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर आया है और इस बार समीक्षा यात्रा में हमने यह तय किया था कि 2009 में जो हमने विकास यात्रा की थी और उस विकास यात्रा में अनेक जिलों में हम गांव में ठहरे थे और गांव में किसी के घर में नहीं बल्कि मैदान में टेंट लगाकर वहां हम भी ठहरे थे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कई ठहरे थे, मुख्य सचिव डीजीपी समेत अनेक अधिकारी ठहरे थे और जहां हम ठहरे थे वहां हमने लोगों के साथ, उस ग्राम के और अगल बगल के गांव के लोगों के साथ एक संवाद कार्यक्रम किया था। हमने लोगों को कहा था कि आप अपनी समस्या रखिए, कोई शिकायत है उसको बोलिए, सरकार की तारीफ में मत बोलिए, अगर कोई शिकायत है तो बोलिए। और उसके बाद उनकी बात के बाद हम कुछ अपनी बात रखते थे और उसके अगले दिन सुबह अगल बगल के गांव में घूमने जाते थे, लोगों से मिलने जाते थे और दिन में फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित होता था। तो इस बार हमने तय किया कि इस बार के विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा में हम उन गांवों में एक बार और जरूर जाएंगे। तो अभी हमने जो यात्रा शुरू की, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी,
मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन जिलों में जो इस गांव में हम ठहरे थे रात में, हमने उन सभी गांवों का, और आज दरभंगा जिले में भी हम बिरौल प्रखंड के बगल में ही कमलपुर गांव है, वहां हम ठहरे थे। आज वहां भी जाने का हमको मौका मिला और सुबह भवानीपुर भी हम गए थे, तो वहां से होते हुए हम यहां आए हैं और आज शिवनगर घाट पर इस सभा का आयोजन हुआ है, तो मुझे खुशी होती है। एक आत्मसंतोष का भाव होता है मन में कि जहां हम आज से 8-9 साल पहले आए थे उस गांव में हम फिर गए, और जहां भी हम गए हैं उस गांव का परिवर्तन देखने को मिलता है। और फिर हमने समीक्षा भी की कि अगर किसी गांव में गए, कोई बात आई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह सब तो हम करते ही हैं, लेकिन इस बार जो हमने पुरानी योजनाओं के अलावे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कृषि रोडमैप, इन सभी योजनाओं के अलावे हम लोगों ने 7 निश्चय पर अमल करना शुरू किया, और 7 निश्चय की सबसे बड़ी खासियत है कि एक तरफ हम युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो इसके लिए एक तरफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इंतजाम, और दूसरी तरफ बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की स्थापना, यह काम किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने प्रारंभ से काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में बिहार पहला राज्य था जहां महिलाओं का आरक्षण दिया गया था, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, और उस योजना का कार्यक्रम जीविका आज मुझे देखकर खुशी होती है कि हम जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जीविका की दीदियां भी उन कार्यक्रमों में रहती हैं। और मुझे खुशी है कि इससे महिलाओं में एक भाव आ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है उनका, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खासियत हम देखते हैं कि जिन महिलाओं को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला लेकिन अगर जीविका समूह से जुड़ी हैं तो बहुत सारी बातों को वो जानने लगती, नियमित रूप से समूहों की मीटिंग होती है, तो यह भी काम किया गया। और लगभग अरविंद चौधरी जी बैठे हुए हैं, अब 8 लाख के करीब पहुंच रहे हैं ना, इस साल तक पहुंच जाइएगा, इस साल के अंत तक 8 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन हो जाएगा, और हमारा लक्ष्य है कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करें। अब जोड़ लीजिए, एक समूह में 11 से 15 महिलाएं जुड़ी होती हैं, अब आप सोच लीजिए कि 1.25 करोड़ के करीब महिलाएं अपने पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगी। 1.25 करोड़ महिलाएं मतलब 1.25 करोड़ परिवार, और उसके बेहतरी के लिए इन समूहों के माध्यम से बहुत सारा काम होता है। मुझे तो इतनी खुशी होती है, और नारी सशक्तिकरण का यह भी एक ठोस उदाहरण है, हम कितनी जगहों पर गए और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विकास के काम में तो लगी ही है, परिवार के उत्थान के काम में, परिवार की आमदनी बढ़े, बचत हो परिवार में, ये सब काम में तो लगे ही, लेकिन साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए, समाज सुधार के लिए, जो बुराइयां हैं समाज में उसको दूर करने के लिए भी
महिलाओं ने आवाज बुलंद की और बिहार में हमने शराबबंदी लागू किया तो ये आप लोगों की मांग पर लागू किया और पूरे बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। अब ये आप लोगों का काम है देखना कि बीच बीच में कोई गोरख धंधा करने वाला दुनंबरी कारोबारी अगर दिखता है तो आप लोग मुस्तैद रहिए, उसको पकड़वाइए और लोगों को भी समझाइए कि शराब मत पियो, क्योंकि दो नंबरी शराब कोई पिएगा। तभी हाल में दो जगह घटना घटी, एक घटना घटी रोहतास जिले में और एक घटना घटी है वैशाली जिले में। ये दो नंबरी कारोबारी जहरीला शराब पिला दिया और लोग मर गए। तो आगे सब बहनों से कहेंगे, दीदियों से कहेंगे कि आप एक एक घर में लोगों को आगाह करिए कि भैया गलती से भी मत पीजिए, अगर पीजिएगा तो हो सकता है जहरीला शराब मिल जाए और मौत के शिकार हो जाइए। तो इन चीजों को भी प्रचारित करना। तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था नारी सशक्तिकरण की दिशा में, और कितना काम हुआ, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना आज पूरे वातावरण में, और हमारे सात निश्चय में हमने इस काम को आगे बढ़ाते हुए तय किया कि राज्य सरकार की सभी प्रकार की नौकरियों में, सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और अब मालूम है सिपाही में कितनी महिलाएं भर्ती हो गई। हम जब घूम रहे हैं तो ये लोग जो सलामी देते हैं जाने पर, तो मुझको देख करके खुशी हो रही है कि महिला पुलिस बल ही सिर्फ मौजूद रहती। तो अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना काम हो रहा और हर प्रकार की नौकरी में इसको लागू भी कर दिया। तो ये तीन काम, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पढ़ने के इंतजाम के लिए संस्थाओं को स्थापित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, और इन तीन चीजों के अलावे चार काम है जिसका लाभ हर घर को मिलना, हर घर में नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय और हर घर में बिजली का कनेक्शन, यह हम लोगों को देना है। और बिजली का कनेक्शन तो अगले साल के अंत तक ही सब घर को मिल जाएगा, लेकिन बाकी और शौचालय के मामले में भी हम लोग तो बहुत तेज कदम उठा रहे हैं और सोच रहे हैं अगर दो साल में हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं। लेकिन बाकी हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हम भी विधायक रहे, सांसद रहे, जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो लोग इन्हीं चीजों की मांग करते थे। और चापा पहले कुआं का पानी पीते थे, चापाकल का दौर आया और अब हर आदमी के मन में इच्छा होती थी कि हमको नल का पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया कि हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और उसको भी हम देखने घूम रहे हैं। और मुझे खुशी, वार्ड वार ये काम शुरू हो गया, विकेंद्रित तरीके से कर रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी परियोजना बनाकर 10 गांव को जोड़कर किया जाए तो न जाने कितना समय लगेगा। और आप देख रहे हैं कई जगहों पर आज से नहीं नल के जल की बात हो रही है, बड़ा बड़ा जल मीनार बनता है और जल मीनार काम ही नहीं करता है। हमने पूछा जल मीनार का क्या फायदा है भाई, इंजीनियर लोग बताइए, और जल मीनार बनाते हैं तो उसका सफाई कितना दिन में करते हैं। हम लोग नल का पानी दे रहे हैं कि शुद्ध पेयजल है, अब मीनार में पानी गया अब मीनार साफ नहीं हो रहा तो फिर शुद्ध पेयजल कहां मिलेगा। तो हम लोगों ने तय किया कि जहां जल मीनार की जरूरत नहीं है, ऊंचे ऊंचे जल मीनार की, हम गांव में अब क्या कर रहे हैं, वार्ड वाइज 5000 लीटर का टैंक ऊपर लगाया जा रहा है और पानी उसके माध्यम से सब जगह सप्लाई हो रहा है। और वार्ड वाइज ये काम हम लोग करवा रहे हैं पंचायत में और 4 साल के अंदर हो जाएगा। और जहां जहां गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, यानी कहीं आयरन की शिकायत है पानी में, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, उन जगहों पर
विभाग के माध्यम से, बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से होगा और बाकी जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से होगा और शहरों में नगर निकायों के माध्यम से होगा। और ये काम अब शुरू हो गया और हम लोगों का लक्ष्य है कि 4 साल में ये काम पहुंचा देंगे। अब कल्पना करिए जब सब घर में, और एक चीज हम और अपील करेंगे कि भाई शौचालय तो बन रहा लेकिन शौचालय का उपयोग भी करना चाहिए। और आप जान लीजिए आज जितनी बीमारी होती है लोगों को, 90% बीमारी बंद हो जाएगी अगर लोग शौचालय का प्रयोग करेंगे और शुद्ध पेयजल उनको मिल जाएगा। ये दो चीज होने से आज जितनी बीमारी हो रही है उसमें 90% की कमी आ जाएगी। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम सब चीजों पर लगे रहते हैं, बड़ी सड़कें और बड़े पुलों का भी हमारा तो लक्ष्य था। जब हम आए 2005 में तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि बिहार के किसी कोने से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और लगभग जब 6 घंटा का लक्ष्य प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने अब लक्ष्य कर दिया तय कि किसी भी कोने से चलकर पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। अब आप सोच लीजिए ये काम तो करते रहेंगे, पुल वगैरह बनता रहेगा उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हर परिवार को नागरिक सुविधा मिले हम इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इस समीक्षा यात्रा में उन सब चीजों को भी देख रहे हैं और इसके अलावा ये काम तो करते रहेंगे पूरी मजबूती से, विकास का काम चलता रहेगा। कृषि रोड मैप पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने नई नीतियां बनाई है और इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग आ रहे हैं और नए और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भी बैंकों के अलावे हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। और आज हम जहां कहीं भी घूम रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा लोगों को पेंशन हो, अन्य प्रकार का पेंशन हो, उसके लिए नई नीति लागू हुई। और वो नीति लागू हुई कि सबको अब बैंक खाते के माध्यम से पेंशन की राशि देंगे, जो बीच में कोई दलाल नहीं रहे या सोच करके, और इस पर बैंक का खाता खुलवाकर उसको आधार कार्ड से जोड़ करके ये काम किया जा रहा है। अभी भी यह काम चल रहा है, हम जहां कहीं भी जाते हैं, यहां भी आए थे तो हम देखा एक बैनर, हम उनको आश्वस्त करते हैं चिंता मत करिए, सभी जितको भी वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था, अगर वो सही है, बहुत सारा देखा गया है, जानते हैं आदमी है ही नहीं लेकिन उनके नाम पर पेंशन की राशि का भुगतान हो रहा, अरे बड़ा गड़बड़ नीचे चलता रहता है, उसी को ठीक करने के लिए सब व्यवस्था की गई और कोई अपने यहां सिर्फ नहीं की गई, पूरे मुल्क में और पूरे देश में लागू की गई। इसके लिए हम केंद्र सरकार को बधाई देंगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सचमुच जो लाभान्वित है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको वो पैसा मिले बगैर किसी बीच के बिचौलिए के, उसको सीधे उसके खाते में जाए। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि सब लोगों को इस बात को बताइए कि बैंक खाता में पैसा जा रहा है। अब हमको अभी हाल में शिकायत मिली कि कोई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र या इस तरह का कोई केंद्र चलाता है, वहां पैसा लेने जा रहा है, वहां भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना शुरू किया, अंगूठा का निशान ले ले रहा है पूरा 4000 का, अकारा 2000 तुमरा। तो ये सब एक एक चीज पर नजर रखिए, लेकिन हम सबको आश्वस्त करेंगे जो भी इस तरह के पेंशनधारी हैं धरती पर और जो वाजिब तरीके से उनको मिला है, उनको निश्चित रूप से वह मिलेगा। यह काम तेजी से हो रहा है, सब काम तो हम लोग देखते हैं, कल भी हम लोगों ने समीक्षा की है, एक चीज की, कानून का राज कायम रखना, भ्रष्टाचार को हम लोग बर्दाश्त नहीं